और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। अगर हम इसकी रचना की बात करें तो विद्युत मोटर के तीन मुख्य भाग होते हैं। नंबर एक, क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें N वायस दो ध्रुव खंड होते हैं। दूसरा पार्ट है आर्मेचर या तांबे के तार की कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है जो कि चुंबक के ध्रुवों खंडों N वायस के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तीसरा इसका जो हिस्सा है वो है विभक्त वलय तथा ब्रश। यह पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में विभाजित होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से तथा वलय का दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को अलग अलग दो कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं। इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी से होता है। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से बाहर निकलती है। अब बात करते हैं क्रियाविधि की। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली में वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। दोस्तों, यहीं पर इसकी क्रियाविधि समाप्त होती है और अब हम बात करते हैं विद्युत मोटर के उपयोग की। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के कारण इसका उपयोग बिजली के पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, आटा पीसने की चक्की और इसी तरह के बहुत सारे यंत्रों में होता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।